नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि सरकार ने सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया है। सहकारिता मंत्रालय भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। मंत्रालय जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन आधारित आंदोलन के रूप में सहकारिता को गहरा करने में मदद करेगा। मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए कारोबार में सुगमता के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा और बहुराज्य सरकारी समितियों यानी MSCS के विकास को सक्षम करेगा। आगे चलते हैं। हैती ने अपने राष्ट्रपति जुवेनेल मोइसे की हत्या के बाद आपातकाल की घोषणा की है। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में उनके घर पर हुए हमले में राष्ट्रपति जुवेनेल मोइसे की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनकी पत्नी घायल हो गई। प्रधानमंत्री क्लाउडे जोसेफ ने कहा कि हमलावर विदेशी थे जो अंग्रेजी और स्पेनिश बोलते थे और हत्या की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। फर्स्ट लेडी मार्टिन मोइसे कथित तौर पर इलाज के लिए अमेरिका के दक्षिण फ्लोरिडा के फोर्ट लाडरडेल पहुंची। राष्ट्रपति मोइसे ने 2017 से कैरिबियाई देश हैती का नेतृत्व किया था, लेकिन उन्हें अपने इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध का सामना करना पड़ा था। बात अगर हैती की करें तो यह कैरेबियन सागर के ग्रेटर एंटिलिस द्वीप समूह में हिस्पनी ओला द्वीप पर स्थित है। यह क्यूबा और जमैका के पूर्व में और बहामास और तुर्क और कैकोस द्वीप समूह में के दक्षिण में स्थित है। पोर्ट ओ प्रिंस इसकी राजधानी है। क्लाउडे जोसेफ इसके प्रधानमंत्री हैं और गौर्दे इसकी मुद्रा है। मिस्री किस्म की चेरी की पहली खेप श्रीनगर से दुबई निर्यात की गई। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा ने चेरी के निर्यात में सहायता की। चेरी की मिश्री किस्म में विटामिन, खनिज और पौधों यौगिक होते हैं। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जम्मू और कश्मीर चेरी की चार किस्मों का उत्पादन करता है, डबल, मखमली, मिश्री और इटली। जम्मू और कश्मीर चेरी के कुल कुल उत्पादन का 95% उत्पादन करता है। चेरी ज्यादातर कश्मीर के सियालकोट और शालीमार क्षेत्र में उगाई जाती है। यह कश्मीर में गर्मियों की शुरुआत में काटा जाता है। एपीडा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। यह कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री कैबिनेट में फेरबदल किया है। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले फेरबदल में 43 से अधिक नए मंत्रियों ने शपथ ली। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और बिहार को केंद्रीय मंत्री परिषद में मजबूत प्रतिनिधित्व मिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंत्रियों को शपथ दिलाई। 43 नए मंत्रियों में से 15 ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री और अन्य ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रतिमा भौमिक त्रिपुरा से पहली केंद्रीय मंत्री बनी है। महत्वपूर्ण मंत्रियों की सूची की अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री और रासायनिक और उर्वरक मंत्री,
मनसुख मंडावी जी बने हैं, सहकारिता मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसी तरह से कानून मंत्री किरण रिजिजू, पेट्रोलियम और आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी बने हैं, श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी बने हैं। इसी क्रम में इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, एमएसएमई मंत्री नारायण राणे जी बने हैं, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, ऊर्जा और नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी, वाणिज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र पीयूष गोयल जी, विदेश और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी। आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका शिमला में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह पहली बार राज्य विधानसभा के विधायक के रूप में चुने गए थे। वह पहली बार 1962 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। वह 5 बार सांसद चुने गए और विभिन्न विभागों में मंत्री के रूप में कार्य किया। वह हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। वह 1977 से 1980 तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। उन्हें हिमाचल प्रदेश के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए याद किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वीरभद्र सिंह के सम्मान में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री ने मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसे ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर यानी कि ICAR सीफा जो कि भुवनेश्वर में स्थित है द्वारा बनाया गया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य जल कृषकों के लिए नवीनतम मीठा जल कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना है। इसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉड्यूल शामिल हैं जो व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों के प्रजनन, बीज उत्पादन और ग्रो आउट संवर्धन पर बुनियादी अवधारणाएं और व्यावहारिक प्रदर्शनों की व्याख्या करेगा। पाठ्यक्रम जलीय कृषि कार्यों में मिट्टी और पानी की गुणवत्ता, भोजन और स्वास्थ्य प्रबंधन को बनाए रखने में बेहतर प्रबंधन पद्धति भी प्रदान करेगा। ऐप मछली पालन में उत्पादन और लाभ प्रदता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने में मदद करेगा। विशेषज्ञों से विशिष्ट सलाह प्राप्त करने के लिए किसान इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सरकार ने लोक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के तहत लाने के लिए अधिसूचना जारी की है। इससे पहले सार्वजनिक उद्यम विभाग भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन था। यह कदम भविष्य की विनिवेश योजनाओं को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। डीपीई को शामिल करने के बाद अब वित्त मंत्रालय के पास 6 विभाग हैं। अन्य 5 विभाग हैं आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग।
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में 1.75 लाख करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। सार्वजनिक उद्यम विभाग सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नीति निर्माण में सहायता करता है। भारतीय रेलवे ने बेंगलुरु स्टेशन पर पहला स्वचालित सुरंग एक्वेरियम स्थापित किया है। एक्वेरियम में दुर्लभ प्रजाति की मछलियां और विदेशी समुद्री पौधे हैं। एक्वेरियम को इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड IRSDC ने HNI एक्वेटिक किंगडम के सहयोग से विकसित किया है। एक्वेरियम अमेजन नदी की अवधारणा पर आधारित है। इसमें 3D सेल्फी क्षेत्र और 20 फीट का ग्लास परिधि है। बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन को क्रांतिवीर संगोली रायना रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। नरेंद्र सिंह तोमर और जानुस वोजसी चोवस्की के बीच एक आभासी बैठक 7 जुलाई 2021 को आयोजित की गई। दोनों नेताओं ने यूरोपीय संघ की साझा कृषि नीति CAP और भारत के बाजार सुधारों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। यूरोपीय संघ ने 2030 तक जैविक खेती के तहत 1/4 क्षेत्र लाने का लक्ष्य रखा है। भारतीय कृषि मंत्री ने कृषि क्षेत्र में सरकार के हालिया सुधार पर प्रकाश डाला। कृषि मंत्री ने परंपरागत कृषि विकास योजना FPO के गठन और नैनो यूरिया के उपयोग में वृद्धि जैसे विभिन्न पहलों के बारे में बताया। भारतीय कृषि मंत्री ने ट्राई साइक्लोज सॉरी ट्राई साइक्लाजोल की अधिकतम अवशिष्ट सीमा MRL तय करने का मुद्दा उठाया। इसका असर भारत से बासमती चावल के निर्यात पर पड़ रहा है। जुलाई 2020 में पिछले भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद भारत यूरोपीय संघ के संबंधों में तेजी आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने APMC मंडियों को 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की मंजूरी दी है। यह बाजारों की क्षमता को विनियमित करने और किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में मदद करेगा। APMC को कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और परख इकाइयों जैसी प्रत्येक अलग अलग बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज अनुदान मिलेगा। APMC किसानों को उनके उत्पादों के लिए बाजार प्रदान करते हैं और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं। हालांकि निजी क्षेत्र की इकाई के लिए ऐसी अधिकतम 25 परियोजनाओं की सीमा होगी। अब राज्य एजेंसियां राष्ट्रीय और राज्य संघ और किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO भी कृषि अवसंरचना कोष का लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण सुविधा की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की थी। वित्तीय सुविधा की अवधि 2025-26 तक बढ़ा दी गई है और योजना की अवधि 2032 से 33 तक बढ़ा दी गई है। भौगोलिक संकेत GI प्रमाणित मदुरै मल्ली और अन्य पारंपरिक फूल जैसे बटन गुलाब, लिली, चमंती और मैरी गोल्ड कंसाइनमेंट को तमिलनाडु से अमेरिका और दुबई निर्यात किया गया। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के फूलों की खेती विभाग के प्रोफेसरों ने
फूलों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए पैकेजिंग तकनीक को अपनाने में खेप में मदद की है। दुबई और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय समुदाय घर और मंदिरों दोनों में हिंदू देवताओं को ताजे फूल चढ़ा सकते थे, और नियमित अंतराल पर भारत से फूलों का निर्यात जारी रहने के बाद धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव मना सकते थे। 2020-21 में 66.28 करोड़ रुपए के ताजे चमेली के फूल और गुलदस्ते संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई, सिंगापुर आदि देशों को निर्यात किए गए, जिनमें से तमिलनाडु ने 11.84 करोड़ रुपए के मूल्य का निर्यात किया है। चमेली का फूल देशों में सबसे लोकप्रिय है। चमेली की महक मदुरै के मीनाक्षी मंदिर के वैभव का पर्याय है। मदुराई भारत की चमेली राजधानी के रूप में विकसित हुई है। सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए पुनीत डालमिया की अध्यक्षता में 25 सदस्यीय विकास परिषद का गठन किया है। यह कचरे को खत्म करने, उत्पादन बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार और उत्पादों के मानकीकरण को बढ़ावा देने के तरीके सुझाएगा। यह स्थापित क्षमता के पूर्ण उपयोग और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के उपायों का भी सुझाव देगा। यह लेखांकन और लागत के तरीकों के मानकीकरण और श्रम की उत्पादकता में वृद्धि पर भी काम करेगा। HM बांगुर, राकेश सिंह, प्रचेता मजूमदार, माधव कृष्ण सिंघानिया और नीलेश नार्वेकर इस परिषद के अन्य सदस्य हैं। सीमेंट उद्योग के लिए विकास परिषद नई सामग्री, उपकरण और विधियों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए 23,123 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। सभी जिलों में 20,000 अतिरिक्त ICU इंटेंसिव केयर यूनिट बेड बनाने और बाल चिकित्सा इकाइयों की स्थापना के लिए पैकेज की घोषणा की गई है। यह पैकेज का दूसरा चरण है। पहले चरण को 2020 में कोविड महामारी से लड़ने के लिए मंजूरी दी गई थी। पैकेज का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से पहले स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों में तेजी लाना है। पैकेज 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू किया जाएगा। इस पैकेज में केंद्र ने 15,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है, जबकि राज्यों का हिस्सा 8,123 करोड़ था। पर्यावरण मंत्रालय ने रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की मंजूरी दे दी है। यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य की सीमा पूर्वोत्तर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व और दक्षिणी तरफ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को छुएगी। 2018 की बाघ जनगणना के अनुसार राजस्थान में 102 बाघ हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान के अन्य टाइगर रिजर्व हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को बाघ अभयारण्य में बदलने की मंजूरी दी है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य 1,071 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बफर क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। यह बूंदी में स्थित है। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन मणिपुर के वैंगाइचुन पाओ रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन के दो पूर्वोत्तर स्टेशनों के बीच 11 किलोमीटर की दूरी तय की है। ट्रेन
ट्रेन मणिपुर के जीरीबाम रेलवे स्टेशन पर रुकी है। यह ट्रायल रन था। यात्री के लिए ब्रॉड गेज ट्रेन सेवा जल्द ही सिलचर से बंगाई चुनपाओ रेलवे स्टेशन के लिए शुरू होगी। बंगाई चुनपाओ इम्फाल रेलवे लाइन भी निर्माणाधीन है। यह इम्फाल के पास सबसे लंबी रेलवे सुरंग होगी। इसके परिणाम स्वरूप मणिपुर ने भारत के रेलवे मानचित्र में प्रवेश कर लिया है। इटली ने इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2020 जीता। इटली 2000 और 2012 में यूरो कप के फाइनल में हार गया था। पेनल्टी शूट आउट में इटली ने इंग्लैंड को 3-2 से हराकर अपना दूसरा यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप फाइनल जीता। 1976 के बाद पहली बार पेनल्टी द्वारा फाइनल का फैसला किया गया। इंग्लैंड ने पिछला यूरो कप फाइनल 1966 में जीता था। बात करें यूरो कप 2020 की, तो इसे आमतौर पर UEFA यूरो 2020 के रूप में जाना जाता है। यह यूनियन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया। इसकी मेजबानी 11 देशों ने की थी और इसमें 24 टीमों ने भाग लिया था। पैट्रिक स्किक यूरो कप 2020 के लिए शीर्ष स्कोरर रहे। जियान लुइगी डोनारुम्मा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। भारत ने GI प्रमाणित फाजिल आम किस्म की एक खेप पश्चिम बंगाल से बहरीन निर्यात किया। इस सीजन में भारत नए देशों में आम के निर्यात के अपने पदचिन्ह का विस्तार कर रहा है। फाजिल आम की खेप एपीडा पंजीकृत डीएम उद्यमों कोलकाता द्वारा निर्यात की गई है और अल जजीरा समूह बहरीन द्वारा आयात की गई है। एपीडा ने गैर पारंपरिक क्षेत्रों और राज्यों से आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। एपीडा ने दोहा कतर में आम प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया। एपीडा ने दोहा कतर में एक सप्ताह तक चलने वाले आम प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया है। भारत मुख्य रूप से आम की अल्फांसो, केसर, तोतापुरी और बंगन पल्ली किस्मों का निर्यात करता है। भारत तीन रूपों में आम का निर्यात करता है, ताजा आम, आम का गूदा और आम का टुकड़ा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ये भारत सरकार द्वारा 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। नागपुर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन श्री नितिन गडकरी ने किया। यह प्लांट वैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप द्वारा नागपुर जबलपुर हाईवे के पास कैंपटी रोड पर स्थापित किया गया है। श्री गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार पारंपरिक ईंधन के विकल्प के रूप में इथेनॉल, इलेक्ट्रिक, CNG और LNG को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों से बायो एथेनॉल बनाने के प्रयोग सफल रहे हैं। पूर्वी विदर्भ, जो धान की खेती के लिए जाना जाता है, में धान की भूसी से बायो एथेनॉल का बड़े पैमाने पर उत्पादन चल रहा है। उन्होंने फ्लेक्स इंजन, जो परिवहन के लिए पेट्रोल और इथेनॉल दोनों का उपयोग करने में सक्षम है, के महत्व को भी रेखांकित किया। असम सरकार स्वदेशी आस्था और संस्कृति
के लिए एक नया विभाग बनाएगा। यह जनजातियों और विदेशी समुदायों की आस्था, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में मदद करेगा। राज्य की जनसांख्यिकी और स्वदेशी संस्कृतियों की रक्षा के सरकार के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए नया विभाग बनाया जाएगा। सरकार ने बोडो, मोरान, राभा और मिसिंग जनजातियों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। असम सरकार ने कई वित्तीय सुधारों की घोषणा की है। स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग के प्रमुख 2 करोड़ रुपए और उससे कम की परियोजनाओं और योजनाओं को मंजूरी दे सकते हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अस्थाई वित्त समिति 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी देगी। 2016 में अरुणाचल प्रदेश ने जनजातियों के आस्था की रक्षा के लिए स्वदेशी मामलों के विभाग का गठन किया था। बात अगर असम की करें, यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी दिसपुर है। इसका सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। इसमें 34 जिले हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। अर्जेंटीना ने ब्राजील को 1-0 से हराकर कोपा अमेरिका 2021 का फाइनल जीता। अर्जेंटीना ने 28 साल बाद पहली बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है। अर्जेंटीना ने रियो डी जनेरियो के माराकाना स्टेडियम में ब्राजील को हराया। अर्जेंटीना की सीनियर टीम के साथ लियोनेल मेसी की यह पहली बड़ी ट्रॉफी है। लियोनेल मेसी और नेमार 4 गोल के साथ शीर्ष गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। यह जीत अर्जेंटीना की 15वीं कोपा अमेरिका जीत थी। कोपा अमेरिका पुरुषों का फुटबॉल टूर्नामेंट है जो दक्षिण अमेरिका की राष्ट्रीय टीमों के बीच खेला जाता है। यह सबसे पुरानी फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता है। यह दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला टूर्नामेंट है। विनय प्रकाश को ट्विटर ने भारत में रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त किया है। 8 जुलाई को ट्विटर ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति के लिए उसे 8 सप्ताह की आवश्यकता होगी। कंपनी ने 6 जुलाई से अपने अंतरिम अनुपालन अधिकारी के रूप में भारत के निवासी को काम पर रखा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि सभी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को 3 महीने दिए जाने के बावजूद ट्विटर आईटी नियम 2021 का पालन करने में विफल रहा है। नए नियमों का पालन करने की समय सीमा 26 मई 2021 थी। भारत ने ऑनलाइन मीडिया पोर्टलों और प्रशासकों, सोशल मीडिया कंपनियों और ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कामकाज को विनियमित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल आचार संहिता नियम 2021 को लागू किया। ट्विटर एक अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नेफेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन किसान सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के निर्यात संबंधों को मजबूत करेगा। एपिडा नाफेड द्वारा प्रवर्तित सहकारी समितियों, एफपीओ भागीदारों और सहयोगियों द्वारा निर्यात में मदद करेगा। एपिडा नाफेड द्वारा प्रवर्तित सहकारी
समितियों, एफपीओ भागीदारों और उनके साथ तो निर्यात में मदद करेगा ही। एपीडा और नेफेड वैश्विक व्यापार में किसान सहकारी समितियों की भागीदारी को भी सुगम बनाएंगे। समझौता ज्ञापन किसान और खाद्य उत्पादों के निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी कौशल गुणवत्ता वाले उत्पादों और बाजार पहुंच जैसे प्रमुख मुद्दों को हल करने में मदद करेगा। एपीडा की चर्चा कई बार हो गई। 1985 में स्थापित सरकारी संगठन है। यह कृषि उत्पादों के लिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। नेफेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह इसके अध्यक्ष हैं। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को बहाल करने और शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मई में संसद भंग कर दी थी। ओली के संसद में विश्वास मत हारने के बाद नेपाल एक संवैधानिक संकट का सामना कर रहा है। केपी शर्मा ओली विपक्ष के नेता देउबा के दावा पेश करने से पहले ही संसद भंग कर दी थी। शेर बहादुर देउबा 13 जुलाई को नेपाल के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उन्होंने नेपाली कांग्रेस यानी कि एनसी के नेतृत्व में एक गठबंधन सरकार बनाई है। 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 75 के अनुसार ओली का प्रधानमंत्री पद का दावा असंवैधानिक है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख का पद धारण करते हैं। उनकी नियुक्ति नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ब्रिटेन के व्यवसायी सर रिचर्ड ब्रैनसन ने सिरिसा बंदला और अन्य सदस्यों के साथ यूनिटी 22 में सवार होकर अंतरिक्ष उड़ान भरी। वह जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर अपने स्वयं के अंतरिक्ष यान में यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने भी ऐसा ही करने की योजना बनाई थी। वह जॉन ग्लेन के बाद अंतरिक्ष के लिए प्रस्थान करने वाले केवल दूसरे सेप्टुजेनेरियन भी बने। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली सिरिसा बंदला भारतीय मूल की तीसरी महिला बन गई है। रिचर्ड ब्रैनसन वर्जिन ग्रुप के संस्थापक। भारत और नेपाल ने 679 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निष्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सतलुज जल विद्युत निगम SJVN और नेपाल के निवेश बोर्ड IBN के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बिजली मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम को लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण का ठेका मिला है। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना पूर्वी नेपाल के संखुआ सभा और भोजपुर जिलों में स्थित है। इसमें 4 फ्रेंचाइज प्रकार के टरबाइन होंगे और प्रति वर्ष 2970 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगा। यह दूसरी परियोजना है जिसे सतलुज जल विद्युत निगम SJVN द्वारा बनाया जाएगा। इससे पहले उसे अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण का ठेका मिल चुका है। अरुण 3 HEP नेपाल की सबसे बड़ी परियोजना है। इसकी आधारशिला 11 मई 2018 को रखी गई थी।
एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ के रण में 4,750 मेगावाट का अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने NTPC REL को अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पावर पार्क UMR EPP योजना के तहत अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड इस पार्क से हरित हाइड्रोजन भी उत्पन्न करेगी। NTPC 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता बनाने की योजना बना रही है। वर्तमान में NTPC की 70 बिजली परियोजनाओं में 66 गीगावाट की स्थापित क्षमता है। NTPC ने आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री थर्मल पावर प्लांट के जलाशय पर 10 मेगावाट AC का भारत का सबसे बड़ा तैरने वाला सोलर प्लांट भी स्थापित किया है। NTPC REL ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और FCEV बसों के तैनाती के लिए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद LAHDC के साथ समझौता किया है। NTPC लिमिटेड की बात करें तो यह एक सरकारी स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक यूनिलिटी कंपनी है। यह विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह बिजली उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों में शामिल है। भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन देहरादून उत्तराखंड में खोला गया है। यह लाइकेन फर्न और कवक की 50 प्रजातियों का घर है। यह उत्तराखंड के चकराता शहर में स्थित है। चकराता के देवबन में चकराता के देवबन के बगीचे में लाइकेन फर्न और कवक की लगभग 50 प्रजातियां उगाई गई हैं। देवबन में देवदार और ओक के जंगल हैं जो क्रिप्टोगैमिक प्रजातियों के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। क्रिप्टोगैमे का अर्थ है छिपा हुआ प्रजनन। यह गैर बीज वाले पौधों का प्रतिनिधित्व करता है। शैवाल, बायोफाइट्स, लाइकेन, फर्न, कवक क्रिप्टोगैमे के उदाहरण हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण जीव है जो अपने बायोमास बनाने के लिए वातावरण से सौर ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। लाइकेन दो अलग-अलग जीवों के बीच एक सहजीवी साझेदारी बनाते हैं। कवक बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों का एक किंगडम है। भूटान अपने QR परिनियोजन के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI मानकों को अपनाने वाला पहला देश बनेगा। भूटान रुपए कार्ड जारी करने और स्वीकार करने वाला पहला देश भी बन जाएगा। इससे भारत के 2 लाख से अधिक पर्यटकों को लाभ होगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने भीम UPI QR आधारित भुगतानों को लागू करने के लिए भूटान के रॉयल मौद्रिक प्राधिकरण RMA के साथ एक समझौता किया है। रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान RMA UPI QR लेन देन के माध्यम से भाग लेने वाले NPCI मोबाइल एप्लीकेशन को सुनिश्चित करेगा। 2020 में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स को UPI प्लेटफॉर्म के पदचिन्ह को अन्य देशों में विस्तारित करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था UPI को, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को।
यह बैंक खातों में धन हस्तांतरण के लिए तत्काल रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कोविड विधवाओं को 2.5 लाख रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता उस प्रत्येक विधवा को प्रदान की जाएगी जिसके पति की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई और उसकी वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपए से कम है। इस योजना को मुख्यमंत्री की कोविड-19 विधवा सहायता योजना नाम दिया गया है। इस योजना के तहत सरकारी सेवकों की विधवाओं को कवर नहीं किया जाएगा। योजना के तहत 873 लाभार्थियों की पहचान की गई है। राज्य के मंत्री अगले सप्ताह तक उन्हें चेक देंगे। सीएम ने कहा कि सरकार ने 873 विधवाओं की पहचान की है, लेकिन उम्मीद है कि 2000 से 2500 विधवाएं होंगी। असम सरकार ने पहले ही कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को 3500 रुपये प्रतिमाह देने की योजना शुरू की है। भारत 2026 में दूसरी बार विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत ने 2009 में हैदराबाद में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। 2023 सुदीरमन कप जो मूल रूप से भारत को आवंटित किया गया था, अब सुझोऊ चीन में आयोजित किया जाएगा। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन द्वारा स्वीकृत सबसे बड़ा बैडमिंटन टूर्नामेंट है। भारत अब तक विश्व चैंपियनशिप में 10 पदक जीत चुका है। साइना नेहवाल ने 2015 और 2017 के संस्करणों में रजत और कांस्य पदक जीता था। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI भारत में बैडमिंटन के लिए शासी निकाय है। यह भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करता है। संयुक्त अरब अमीरात में संयुक्त अरब अमीरात इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने दूतावास को मध्य पूर्व के लिए भविष्य शांति समृद्धि और सुरक्षा की दिशा में हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर कहा। संयुक्त अरब अमीरात का दूतावास तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज में स्थित है। पिछले महीने UAE में इजराइल के दूतावास का उद्घाटन किया गया था। UAE और बहरीन ने पिछले साल अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य किया था। इजराइल और UAE की अगर बात करें तो इजराइल मध्य पूर्व भूमध्य सागर पर स्थित है, वहीं UAE संयुक्त अरब अमीरात पश्चिम एशिया अरब प्रायद्वीपीय के पूर्वोत्तर छोर पर स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। UAE की राजधानी अबू धाबी है। UAE की मुद्रा इजराइली शेकेल, वहीं UAE की मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। UAE के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग और UAE के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान।
मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। उन्होंने थावरचंद गहलोत के स्थान पर उन्हें थावरचंद गहलोत के स्थान पर नियुक्त किया गया है। पीयूष गोयल महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य हैं। वह वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्रालयों के प्रभारी हैं। सदन का नेता सदन में सरकारी बैठकों और कार्य के आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। इस कार्यालय का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। एन गोपाल स्वामी आयंगर राज्यसभा में सदन के पहले नेता थे। बात अगर राज्यसभा की करें तो राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है और विघटन के अधीन नहीं है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। इसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। लद्दाख प्रशासन ने 2025 तक लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए सिक्किम राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लद्दाख में परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन जैविक विकास पहल के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। लद्दाख प्रशासन का लक्ष्य 2025 तक लद्दाख को एक प्रमाणित जैविक केंद्र शासित प्रदेश बनाना है। जैविक प्रमाणीकरण के लिए लद्दाख को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में 85 गांव को 5000 हेक्टेयर भूमि को जैविक भूमि में बदला जाएगा। दूसरे चरण के तहत 82 गांवों के 10000 हेक्टेयर क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। तीसरे चरण में 79 गांव के शेष क्षेत्रों को कवर करेंगे। जनवरी 2016 में सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य बना। लक्षद्वीप भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश है। जैविक खेती रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, एंटीबायोटिक आदि के उपयोग के बिना पौधों की खेती और जानवरों के पालन की एक तकनीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और करंट अफेयर जीके जीएस से रिलेटेड अगर आप क्विज देना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप सभी उस लिंक पे जा कर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पर कमेंट करिए और आज के इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपके बीच में और भी वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए और आपकी सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।